हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस देखिए, मैं गैस का बर्नर लेके आया हूँ। तो गाइस इसमें बहुत सारा कचरा भर चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं इसको साफ करने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन और देसी जुगाड़ से। तो क्यों ना मैं आपको बता दूँ कि इसको हम कैसे साफ करने वाले हैं। अच्छा, आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, अपने दिमाग में आया होगा कि ऐसे इसको हम कैसे साफ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे साफ होने वाला है। तो चलिए, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। गाइस आपको पता है कि इसमें कचरा भरने से हमको क्या नुकसान होता है? नहीं। तो गाइस हमारी केस पूरी तरीके से जल नहीं पाती है और वो बेकार उड़ जाती है, तो इसको हम साफ करना बहुत ही जरूरी है गाइस। ठीक है, समझिए। और हमारा गैस भी बहुत दिनों तक नहीं चलता है, तो इसकी वजह यही है कि हम इसको साफ अच्छी तरीके से नहीं करते। तो चलिए इसे साफ करते हैं। गाइस देखिए, हमारे पास एक कोलगेट है, इनो है और ये नमक है। इन तीनों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। एक घर का ही सामान है गाइस, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं हमारे घर पर, और ये बर्नर देखिए। तो चलिए इसे साफ करते गाइस। तो गाइस पहले हम इस कोलगेट को ऊपर लगाएंगे। A few moments later. तो देखिए गाइस, हमने इसको कोलगेट को लगा दिया है और इसमें थोड़ा नमक डालते गाइस। इतना काफ़ी होगा गाइस, देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया है। तो गाइस चलिए इसको हम थोड़ा सा रब करते हैं। तो गाइस देखा आपने कि हमने इसको ऊपर कोलगेट और नमक को डाल दिया है। अब इस इनों को डालते हैं गाइस। चलिए A few moments later. तो चलिए गाइस इसमें हम पानी डालते। अब इसको हम पूरे 5 मिनट के लिए रखने वाले गाइस। देखिए इसी तरह का हम 5 मिनट इसको रखने वाले। One hour later. तो देखिए गाइस पूरी 5 मिनट हो चुकी है। अब हमको इस ब्रश लेना है और इसे अच्छी तरीके से घिसना है गाइस। तो चलिए गाइस इसको हम थोड़ा सा पानी से धो डालते हैं। तो देखिए गाइस हमारा बर्नर बहुत ही अच्छी तरीके से चमक रहा है। देखिए इसमें से बहुत सारा कचरा निकल गया है। देखिए इतना सारा कचरा निकला है और ये हमारा बर्नर देखिए ना, नए जैसा हो चुका है ना। तो गाइस आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मुझे नए टॉपिक के साथ कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।